इंडियन आइडल में अब पवनदीप राजन की सिर्फ एक परफॉर्मेंस दिखाए जाने से फैंस काफी ज्यादा नाराज हैं और उन्होंने मेकर्स की जो है अगर मैं कहूं तो सोशल मीडिया पर लताड़ लगाई है मेकर्स को। 90 मिनट के शो में 3 मिनट का परफॉर्मेंस जो है पवनदीप को दिया गया उस कंटेस्टेंट को जो इनका सबसे ज्यादा टीआरपी लाने वाला कंटेस्टेंट है, जिसकी फैन फॉलोइंग सबसे ज्यादा है। तो ऐसे में हिमेश रेशमिया स्पेशल में तेरे नाम का गाना गाते हुए पवनदीप नजर आए। अब जो फैंस हैं इंडियन आइडल के उनको ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई और वो दुखी है कि पवनदीप की दूसरी परफॉर्मेंसेस का क्या हुआ, वो क्यों हटाया गया और ना ही जज की तारीफ दिखाई गई जो उन्होंने पवनदीप को लेके की थी और अब सोशल मीडिया पर इस बात को लेके गुस्सा जाहिर किया है। AH लिखते हैं, स्टॉप दिस बायसनेस इंडियन आइडल, द मैन हु इज बिहाइंड द सक्सेस ऑफ इंडियन आइडल, यू आर कीपिंग हिम इन द स्टैंड, गिविंग हिम 3 मिनट्स आउट ऑफ 90 इज अ कंप्लीट एक्ट ऑफ स्टुपिडिटी। रवि लिखते हैं, सोनी टीवी, वी डिमांड यू टू अपलोड अनसेंसर्ड वर्जन ऑफ दिस परफॉर्मेंस ऑन यूट्यूब, द वे यू पीपल कट द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज परफॉर्मेंस इज जस्ट डिस्गस्टिंग, एट लीस्ट लेट द अनकट वर्जन रीच द मासेस थ्रू यूट्यूब। AH लिखते हैं, वॉट एग्जैक्टली इज गोइंग ऑन सोनी टीवी, यू आर हेयर वेट, वी आर हेयर वेटिंग ईगरली थ्रू आउट द वीक टू लिसन टू पवनदीप द मैक्सिमम टीआरपी प्रोवाइडर इन एन एपिसोड ऑफ 90 मिनट, गिविंग हिम अ सिंगल सॉन्ग दैट ऑफ अ 3 मिनट इज हाइट ऑफ इग्नोरेंस। हिमानी लिखती है, बेशर्मी की हद होती है, यू गाइज यूज हिम फॉर द टीआरपी, मैक्स प्रोमोज आर गिवन टू हिम एंड नाउ वेन अदर कंटेस्टेंट्स आर गेनिंग फैंडम You are sidelining him at the most important phase of the show. तो इस तरीके से जो फैंस है वो इस बात को लेकर काफी ज्यादा नाराज हैं कि क्यों पवनदीप की परफॉर्मेंस को काटा गया, क्यों दूसरा गाना नहीं दिखाया गया, क्यों जो है जो जजेस ने तारीफ की वो नहीं दिखाई गई और अब इस बात की डिमांड हो रही है कि उसका अनसेंसर वर्जन जो है वो यूट्यूब पे डाला जाए ताकि जो फैंस हैं उसे देख सकें।